तो गाइस जो तीसरा क्वेश्चन था वो पूछा गया था, हाउ डिड विलियम लूज हिज लेग। तो आपने देखा होगा कि ईवल एन के चैप्टर वन में जब हम बैलून एस्केप करते हैं तो उसमें हमारा एक आदमी बहुत ज्यादा मदद करता है जिसको मैंने रामलाल नाम दिया था, उसका असली नाम विलियम है। तो आप देखोगे कि उसका एक पैर नहीं है, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया कैप्टन वालों से कि विलियम का पैर क्यों नहीं है एंड इसका क्या रीजन है। तो उसका जवाब कुछ यूं दिया। ओके गाइस, तो इसका आंसर ये दिया गया है कि ईवल एन के चैप्टर टू में, यानी ईवल एन वन से पहले की स्टोरी जो चैप्टर में दिखाई गई है, तो विलियम ही होता है जो हम होते हैं, वो विलियम ही होते हैं जो स्कूल से एस्केप करने का ट्राई करते हैं। एंड एंड में नजरत जब इवलन से बात कर रहा होता है तो बीच में ही नजरत हमको देख लेता है कि हम नजरत और इवलन को देख रही है साइड से खड़ी होके, तो वो हमसे आई कांटेक्ट करता है एंड देन उसके विलियम के ऊपर एक कुछ पानी टाइप गिर जाता है। तो इसका जवाब ये है कि इवलन मेज, यानी इवलन का जो मेज वाला चैप्टर है उसके नेक्स्ट पार्ट में ये क्लियरली बता दिया जाएगा स्टोरी में कि इवलन ने विलियम की, यानी विलियम की टांग कैसे कटी, विलियम का पैर कैसे गायब हुआ। तो जी हाँ, और इसी के साथ ये भी बताया गया कि ऐसे ही धीरे धीरे करके इवलन के अपडेट आते रहेंगे सारे, मतलब इवलन 1, 2 और 3 में। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।